सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। जय श्री राम। मित्रों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नावली कार्यक्रम में। आज का प्रश्न हमने लिया है अपने एक दर्शक मित्र श्रीमान रामजी प्रसाद राहुल का, जिसमें उन्होंने इस चौपाई का गूढ़ार्थ पूछा है। तो उनके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व एक छोटी अपील कि अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो विषय कहानियां अच्छी लगती हैं तो इनको अपने सभी इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र हमारे भी मित्र बने और दोस्तों दोस्ती की ये डोर लंबी होती जाए और ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। तो राहुल जी, ये चौपाई उस समय की है जब बाली और सुग्रीव के युद्ध में सुग्रीव को पिटते देख प्रभु श्री राम बाली को बाण मार देते हैं। बाण लगते ही वो घायल होकर तड़पता हुआ गिर जाता है, लेकिन हिम्मत करके पुनः उठ बैठता है और सामने देखता है कि श्याम सुंदर शरीर वाले अपने सिर पर जटा बनाए हुए और लाल आंखों के साथ अपने धनुष पर दूसरा बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। वो बारंबार प्रभु के रूप को देखकर उनके चरणों को देखता है और साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान श्री राम को पहचान जाता है। मैंने अपने एक पुराने वीडियो मंदोदरी किसकी पत्नी थी, बाली या रावण की, मंदोदरी हरण अंगद जन्म रहस्य में इस बात का प्रमुखता से उल्लेख किया है कि बाली एक परमवीर वरदानी होने के साथ परम तपस्वी परम विद्वान भी था। पूजा में रत होने के कारण उसकी पत्नी को एक राक्षस की पत्नी बनने पर मजबूर होना पड़ा। वह तपस्वी, वह महान भक्त बाली भला परमात्मा को कैसे ना पहचान लेता। अब आपके चौपाई, आपकी चौपाई का जो शब्दार्थ बताने के लिए हम उसकी एक पिछली चौपाई को और साथ में समाहित कर लेते हैं। बाली प्रभु को देखता है, फिर बोलता है कि धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है, इसके बाद भी मुझे छिपकर एक शिकारी एक बहेलिए की तरह मुझ पर प्रहार किया, ऐसा क्यों किया प्रभु? फिर मेरी तो आपसे कोई शत्रुता भी नहीं थी, आपको मेरा भाई सुग्रीव ज्यादा प्यारा और मैं दुश्मन, ऐसा क्यों? मैंने तो कोई आपका कुछ आपका कोई नुकसान नहीं किया, मैं आपका शत्रु कैसे हो गया? और ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया कि आपको मेरा वध करने पर विवश होना पड़ा? मैं आप लोगों को बार बार इस बात का प्रमाण देता आया हूं, मैं बार बार आप लोगों को यह प्रमाण देता आया हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की एक एक चौपाई में अन्य ग्रंथों के कई श्लोकों के अर्थ समाहित किए हुए हैं, और इनको समझने के लिए हमें उनके आगे और पीछे की चौपाई और दोहे छंद को ध्यान पूर्वक पढ़ने की जरूरत होती है, वहीं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। अब इसके आगे की चौपाई जब प्रभु श्री राम जवाब देते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुनु सठ कन्या
समये चारी। इनाही कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करे सी नकाना। मम भुज बल आश्रित तेही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी। भगवान कहते हैं कि बेटी बहन, बेटे की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, इनको वेद एक समान मानते हैं। कोई व्यक्ति अगर इन रिश्तों को गलत दृष्टि से देख भी लेता है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। रे मूर्ख, तुझको इतना ज्यादा अभिमान हो गया था कि वो नारी आपको समझाती रही, लेकिन आपने अनसुनी कर दिया। तुझे ये नहीं पता कि सुग्रीव अब मेरी शरण में है, उसके बाद भी तू उसका वध करना चाहता था, मारना चाहता था। क्या ये अपराध पर्याप्त नहीं है तेरे वध के लिए? भगवान ने जो पहला अपराध बताया, पहला अपराध है कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बध के योग्य दुराचारी। भगवान कहते हैं जो पहला कारण बताया कि जो कन्या, अपनी कन्या का मतलब बेटी, भगिनी का मतलब बहन, और पुत्र वधु छोटे भाई की पत्नी, ये चारों समान हैं। अगर इनको कोई गलती से भी कुदृष्टि देखता है तो उसके वध करने में किसी को कोई पाप नहीं पड़ता। गोस्वामी बाबा ने यहां जो भगवान श्री राम ने कहा वो तो लिख लिया, उसका उल्लेख कर दिया, लेकिन जो बाली ने कहा उसका उल्लेख खुलकर नहीं किया। इसके लिए हमें महर्षि अगस्त ने, जो उस समय त्रेता में मौजूद थे और सारी घटनाएं प्रभु की लीला प्रत्यक्ष देख रहे थे, जो उन्होंने लिखा है वो यहां पे समझने की जरूरत है। भगवान राम ने जब ये कहा कि पत्नी, छोटे भाई की पत्नी के साथ तू कुदृष्टि रखता था इसलिए मैंने तेरा वध किया, तो जो बाली ने कहा वो सुनने योग्य है। बाली ने उसका जवाब दिया कि या इमं परमं गुह्यम, या इमं परमं गुह्यम, तव भक्ति भिध्यास्यति, भक्ति त्वं परां कृत्वा व्रतं सदाचारेव च। देवदुज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौच बार्जवं, तस्मात् सदाचारः कृत्वा मनुष्ये सुनाचान्यः। अर्थात हे प्रभु, ये परम गोपनीय भक्ति कर्म जो आपकी आज्ञा से मैं हमेशा से करता रहा हूं, आपका भक्त हूं, पूरा जीवन आपकी भक्ति की है, इसके साथ साथ आपको मालूम है कि मेरा व्रत तो सदाचार ही रहा है, तो भला मेरे द्वारा यह पाप कर्म कैसे हो सकता था, अर्थात छोटे भाई की पत्नी को कुदृष्टि से कैसे देख सकता था। फिर भी प्रभु, आपके मुख से निकले हुए वेद में लिखा है, आपका वेद कहता है कि देवता ब्राह्मण गुरु ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता से रहना, सदाचार करना, यह सब तो मनुष्यों के लिए कहे गए हैं,
हम अन्य प्राणियों के लिए नहीं। हे प्रभु, वैसे आपकी आज्ञा से मैंने आजीवन सदाचार, तप, ऋषियों की सेवा, उनकी रक्षा, सब कुछ वेद के अनुकूल काम किए हैं। फिर भी यदि नहीं करता तो भी ये नियम हम पशुओं पर लागू ही नहीं होते। इसलिए आपके द्वारा बताए गए कारण या अपराध तो मुझ पर लागू ही नहीं है। प्रभु, अब बताओ, वो कारण तो आपका हमारे पर लागू ही नहीं, फिर हमारा वध क्यों किया, क्यों मुझे दंडित किया? अब प्रभु श्री राम ने जवाब दिया। प्रभु ने कहा कि हे बाली, आप सही कह रहे हो, किंतु मेरा भी एक प्रण है, प्रतिज्ञा है कि अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है और सिर्फ मुझ पर आश्रित हो जाता है तो उसको मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, शरणागत की रक्षा के लिए हम रघुकुल वाले अपने प्राण दे भी सकते हैं और किसी के प्राण ले भी सकते हैं। तुमने अहंकार बस ये नहीं सोचा, नहीं माना कि सुग्रीव अब मेरी शरण में है, इसलिए तुमको दंडित करना पड़ा। शिव जी के वरदान की मान्यता रखते हुए छिप करके तीर चलाना पड़ा। अब इसके आगे का दोहा मानस में ही देख लो तो पूरा प्रसंग ही स्पष्ट हो जाता है। बाली कहता है कि सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरे, प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोरे। अर्थात हे राम जी सुनो, आप तो चराचर के स्वामी हो, आपके सामने मेरी कोई भी चतुराई नहीं चलने वाली, अतः मैं स्वयं मान लेता हूं कि मैं आज भी पापी हूं। अब अंतिम समय में मेरी गति आपके हाथ में ही है, जो चाहो वैसा करो। यहां कुछ विद्वानों का मत है कि बाली ने यहां राम जी को श्राप दिया है कि आपके अंतकाल में भी यही गति होगी, और राम जी ने उस श्राप को स्वीकार किया था, इसलिए अगले जन्म कृष्ण अवतार में बाली के हाथों वही गति ले ली थी। खैर, यहां ये कोई विवाद का विषय भी नहीं है। खैर, यहां हम दोनों भाव ले सकते हैं। इस तरह बाली के प्रेम पूर्वक वार्तालाप से दया के सागर भगवान श्री राम द्रवित हो गए और बोले कि मैं आपको अमर कर देता हूं, आपने अपने प्राणों की रक्षा कर लो। और उनके सिर पर हाथ रखकर प्यार किया तो बाली कहता है कि प्रभु, जिसकी पूजा अर्चना लोग जन्म भर करते हैं, किंतु अंत समय में वो आपका नाम श्री राम उनके मुंह से नहीं निकलता, और वो राम जी जिनके नाम का जाप करके काशी में मरने वाले लोगों को शिव जी मुक्ति दाता परम गति देने की शक्ति पा जाते हैं, वो भगवान राम मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए हे प्रभु, सो नयन गोचर जासु गुण नित नीति श्रुति जन गावही, जिति पवन मन गो नीरस करी मुनि, ध्यान कबहु कपावही, मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु, कहे वो राखु शरीरही, अस कवन सठ हठि काटी सुर तरु, बारी करी ही बबूरही, अब नाथ करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मांगू, जेहियो नि जन्मऊ कर्म बसता, राम पद अनुराग हूं।
तनया मम सम विनया बल कल्याण पद प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह आपन दास यंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जान ही नाग। बाली कहता है कि वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा मेरी आंखों के सामने हैं, जिनके गुणों का गायन वेद पुराण नेति सभी करते हैं, जिनका दर्शन बहुत सालों हजारों साल तक तपस्या करने के बाद कोई कोई मुनि जन पाते हैं, वो भी ध्यान में ही उनका दर्शन होता है। और वो प्रभु मेरे सामने खड़े हैं। मुझे यह जानकर अपने आप पर गर्व है कि प्रभु मुझे जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। किंतु वो कोई दुष्ट ही होगा, वो कोई मूर्ख ही होगा जो जिद करके देवतरु कल्प वृक्ष को काट दे और कांटों वाले बबूल के वृक्ष की सिंचाई करे। हे नाथ, अब दया करके मेरी तरफ देखो और जो मैं वरदान मांग रहा हूं वह वरदान दो। हे प्रभु, अपने कर्म के अनुसार मेरा जहां भी अगली योनि में जहां भी जन्म होता है तो वहां भी मेरा आपके चरणों में अनुराग बना रहे, अर्थात मैं भगवान श्री राम का भक्त बना रहूं, यह वरदान दीजिए। हे प्रभु, यह मेरा बेटा जो मेरे समान ही विनयशील विद्वान और बलवान है, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, इसको अपना सेवक बना लो और अंगद को अपने पुत्र की तरह ही प्यार करना। ये हाथ अपने हाथ में ले लो। ऐसा कहकर बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में देकर अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक उसी तरह जैसे किसी नाग के गले में फूलों की माला कब गिर गई यह नाग को पता ही नहीं चला, अर्थात उसको प्रभु कृपा से मृत्यु के समय होने वाले दुस्सह दुख कष्ट कुछ भी महसूस नहीं हुए। कहते हैं कि जन्मत मरत दुसाह दुख होई, सोते ही स्वल्प हूं व्याप्त न सोई। अर्थात प्रभु राम की कृपा से कोई दुख हुए बिना उसके प्राण निकल गए। तो इस तरह से अब यहां पर मैं एक उन जो लोग वहां हमारे उस वीडियो में मंदोदरी किसकी पत्नी थे उसके ऊपर लोग कमेंट करते हैं कि तारा बाली की पत्नी थी, तारा सुग्रीव की पत्नी थी, ये दावे के साथ यहां भी इस चीज का प्रूफ होता है कि बाली ने मरते समय अंगद का हाथ तो भगवान श्री राम को पकड़ाया लेकिन अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहा। उसका कारण क्योंकि उनकी पत्नी थी ही नहीं, तारा तो सुग्रीव की ब्याहता पत्नी थी। ये यहां पे भी सिद्ध होता है कि उन्होंने अंगद को तो भगवान श्री राम को सौंपा तो पत्नी के बारे में भी कुछ बोलते लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं आता है। हाँ, ये जिक्र आता है कि तारा रोती हुई आई, रोई और भगवान ने उनको समझाया, तो ये एक आम बात है जब परिवार का कोई सदस्य मरता है तो लोग घर के लोग रोते ही हैं। और फिर महात्मा बाली तो महात्मा थे, संत थे, सुग्रीव से नाराज थे तो सुग्रीव को तो घर से भगा दिया था लेकिन सुग्रीव के पुत्र दधिबल का भी पालन पोषण बाली ने ही किया था और उनकी पत्नी तारा को भी अपने घर पर ही रखा हुआ था। उम्मीद करते हैं कि श्रीमान राहुल जी आपको आपके प्रश्न का गूढ़ा अर्थ समझ में आ गया होगा।
अस्तु, जय सियाराम।